हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बोहो पेंटिंग का सीरीज और आज हम उसमें ऐड कर रहे हैं एक और पेंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। बोहो पेंटिंग एक मिनिमलिस्ट पेंटिंग होती है, मतलब आपको मिनिमम चीज़ें ही पेंट करनी है आपकी शीट पर। इस पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैमल के एक्रेलिक कलर्स और ब्रश के लिए मुझे सजेस्ट किए गए थे फाइन आर्ट के कुछ ब्रश, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। जिस शीट पर मैं एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ, ये शीट मेनली एक्रेलिक कलर्स और ऑयल पेंटिंग्स के लिए ही है। आप नॉर्मल शीट्स में एक्रेलिक कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। इस पेंटिंग के लिए आउटलाइनिंग्स मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी थी, जिसमें मैंने एक विमेन बनाई थी और एक सर्कल। कुछ और चीज़ें हम पेंट करते करते ऐड करेंगे। आई हैव यूज दिस येलोइश कलर टू पेंट दिस होल सर्कल और इसी कलर में हम वाइट कलर ऐड कर देंगे तो हमारा स्किन कलर रेडी हो जाएगा। यूज दिस कलर टू पेंट बोथ हैंड्स, लेट दिस ड्राई फॉर सम टाइम। फिर हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर अपने हेयर्स को पेंट करने के लिए। हेयर्स करने के पहले मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए। यूज टू ब्रश इफ पॉसिबल फॉर गिविंग अ परफेक्ट आउटलाइनिंग एंड इफ पॉसिबल आप दो वेसल्स में अपना वाटर यूज़ करें। एक ही वेसल का वाटर बार बार आप यूज़ करेंगे तो आपके ब्रश हार्ड हो जाएंगे। सेम कलर यूज़ करके हम कुछ और डिज़ाइंस बनाएंगे। मेरे दिमाग में फ़िलहाल जो डिज़ाइन आ रही है मैं वही पेंट कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद है वो आप पेंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप सेम कलर्स ही यूज़ करें थ्रू आउट द पेंटिंग। मैंने ड्रेस का कलर रेड रखा था इसीलिए मैं ब्लैक हेयर्स पेंट कर रही हूँ। ड्रेस की बाउंड्री के लिए मैंने व्हाइट कलर यूज़ किया है, आप यहाँ ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक कलर टू पेंट लीव्स। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल लीव्स पेंट की है ताकि अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये पेंटिंग ईजी रहे। मुझे यहाँ कुछ और डिज़ाइंस भी याद आ रही थी तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते टाइम आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप वाटर ऐड करते रहें बीच बीच में, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहें। इस पेंटिंग को सूखने के बाद इस पर वार्निश का एक कोट अप्लाई करें ताकि आपकी पेंटिंग डर्ट और डस्ट से बचे और हमारी बोहो पेंटिंग रेडी हो जाएगी। आई होप यू लाइक इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।